विगत दिनों मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 की श्रेणी में स्थानीय प्रतिभावान छात्र यथार्थ पवन कुशवाहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को आयोजित की थी एवं कक्षा वर्ग के हिसाब से 4 श्रेणियां निर्धारित की थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में होलकर कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर किशोर पवार, जीजाबाई कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भोलेश्वर दुबे और बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील श्रीवास्तव शामिल थे। यथार्थ को बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कृत किया जाएगा। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय मेरे आर्ट टीचर मिस्टर पीयूष शर्मा सर को देना चाहूँगा और साथ ही में मेरे पेरेंट्स और मेरी प्रिंसिपल मैम मिसेस रश्मि कौशल बाविजा मैम, उन्हीं की इन तीनों की वजह से मुझे इस ड्राइंग कंपटीशन के बारे में पता चला और उन्हीं ने मुझे इस ड्राइंग के लिए गाइड करा। आपको चित्रकला की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे चित्रकला की प्रेरणा मेरी सिस्टर से मिली है, दिद्दी कुशवाहा और जीविका कुशवाहा से, क्योंकि मुझे भी बचपन से शौक रहा है चित्रकला में और उन्हें भी। उन्होंने स्टेट लेवल कंपटीशन में भी भाग लिया है और उन्होंने कुछ पोजीशन भी ली है, क्योंकि उनकी ड्राइंग से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला है और मैं ड्राइंग बना पाई हूँ। आप अपना चित्र बताएंगे और इस चित्र के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं वो थोड़ा सा समझाएंगे? ये मेरी ड्राइंग है जिसमें एक जो अर्थ है वो परेशान हो रही है इस एनवायरनमेंट से, जिसमें बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन है और यहाँ पर एक लड़का बैठा है जो अम्ब्रेला पकड़ के बैठा है और इस अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ बाहर का जो ये ड्रॉप्स है इनके अंदर वो चीज़ें हैं जिससे अर्थ परेशान हो रही है, जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज जिससे डर्टी वाटर आ रहा है, वो जैसे बहुत सारे हाउसेज रहते हैं जिनके अंदर से आता है डर्टी वाटर, और साथ में ये गार्बेज और पॉलीथीन जो लोग हम वाटर में डालते हैं, और इसी लिए ये लड़का अम्ब्रेला लेके खड़ा है। और मैंने इसे डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, जिसमें एक लड़की है वो प्लास्टिक की पॉलीथीन डाल रही है डस्टबिन में, मीन्स गार्बेज को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने बताया है कि एक लड़का है जो कि प्लांट लगा रहा है। जितने हम प्लांट्स और ट्री लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा अपना एनवायरनमेंट। और यहाँ पर बताया है कि एक हाथ है जिसमें कह रहा है नो मोर गार्बेज इन वाटर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गार्बेज और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो वाटर और रिवर्स में डाल देते हैं, इसी वजह से जो वाटर एनिमल्स रहते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ बैकग्राउंड का जो है, यहाँ पर रात है और यहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहाँ से आ रहा है डर्टी वाटर, जिससे यहाँ फिश भी परेशान है और बहुत सारा गार्बेज भी इसके साथ आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।